हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज फ्राइडे है और कल ही वेदर बहुत अच्छा था जैसे कि मैंने बोला था, और आज फिर से बहुत ख़राब हो गया है। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, रात से ही हो रहा है। तो फिलहाल हम लोग फिर से शॉपिंग के लिए थोड़ा जा रहे हैं, ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जाना पड़ रहा है अभी। तो उसके बाद हम लोग सारा को भी स्कूल से पिक कर लेंगे। तो चलिए अभी थोड़ा बर्लिंगटन जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। वीकेंड आते के साथ ही यहाँ पे वेदर ख़राब हो जाता है। पता नहीं यहाँ का क्या है, जब से हम लोग आए हैं नोटिस कर रहे हैं कि वीकेंड आता है या तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, नहीं तो बारिश हो जाता है, नहीं तो ऐसा क्लाउडी रहेगा, पूरा जैकेट वैकेट फिर से पहनना पड़ता है। और अभी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, ग्रीनरी आ गया है तो रोड काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो हम लोग लगभग ये जो बर्लिंगटन है ये थोड़ा सा घर से दूर है, फिर भी हम लोग निकल गए थे। और थोड़ा ट्रैफिक था, फ्राइडे था, फ्राइडे काफ़ी वीकडे में ट्रैफिक रहता है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2:15 के आसपास, मतलब 2:15 बजे हम लोग पहुंच गए थे। और कहीं पे भी शॉपिंग कर रहे, लेकिन मुझे बर्लिंगटन ही काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे एक तो ब्रांडेड चीज़ें मिलते हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में डील में मिल जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इंडिया में अगर आप लोग कभी भी ट्रैवल करेंगे तो अगर किसी के लिए गिफ्ट लेना है, फैमिली के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, तो आप लोग बर्लिंगटन आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम लोग को एक्चुअली एक शू लेना था, तो मेन सेक्शन में हम लोग इसलिए देख रहे थे। काफ़ी जगह हम लोग देखे भी, टारगेट में भी देखे, लेकिन वैसा कुछ पसंद नहीं आया। और वहाँ पे वैसा कोई ब्रांड का भी नहीं रहता है, यहाँ पे क्या सब अच्छे अच्छे ब्रांड का रहता है, तो थोड़ा सा लगता है हाँ क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा होगा। तो यही सब देखे। और इस बार मुझे भी थोड़ा कुछ लेना था क्योंकि जा रहे हैं हम लोग इंडिया, तो कुछ मुझे भी शॉपिंग करना। और ये जो बर्लिंगटन हम जिस जाते हैं, जिस लोकेशन में, ये काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत रहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि हम लोग को सारा को भी पिक करना होता है और ऐसे ही टाइम निकाल के जाना पड़ता है, तो हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो हम लोग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा में जो हो पाता है वो बस लेते हैं। और मुझे भी जैसे मैंने बोला शॉपिंग करना था, तो मैं अपने लिए भी कुछ देख रही थी, तो बस हम लोगों को जो शू लेना था वो भी हम लोग ले लिए थे। और थोड़ा बहुत और कुछ देख रहे थे अगर कुछ अच्छा मिल जाए डील में। बैग्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है और बहुत अच्छा डील्स में मिलता है, काफ़ी अच्छे ब्रांड का मिलता है। तो बस राजेश भी फिर बिलिंग वगैरह करा लिए। और हम लोग हमेशा ही जाते हैं जब टाइम देखते हैं, क्योंकि सारा का स्कूल वहाँ से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ से हम लोगों को 40 मिनट्स लगता है जाने के लिए। लास्ट टाइम भी हम लोग लेट हो गए थे, तो इसलिए मैं बोली कि नहीं इस बार थोड़ा जल्दी ही निकल जाएंगे। तो बस हम लोग फिर जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। और वेदर भी काफ़ी ख़राब था, तो लग रहा था कि अगर बारिश वगैरह हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे लगभग 3:15 के आसपास, 3:15, हाँ उतने बजे हम लोग निकल गए थे। तो बस 1 ही घंटा हम लोग शॉपिंग कर पाए थे। और सारा के स्कूल फिर पहुंच गए थे 3:50 में हम लोग पहुंच गए थे, तो तब भी उसका स्कूल छुट्टी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ गाड़ी का लाइन एज यूजुअल बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग काफ़ी पीछे ही खड़े हुए। लेकिन हाँ लास्ट टाइम की तरह सारा को उतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो यहाँ से देखिए गाड़ी का लाइन दिख रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सभी लेट होते हैं तो यहाँ पे सभी कोई आ जाता है एकदम टाइम पे। अगर आप आएंगे तो भी आपको सामने जगह मिलता है। बहुत कोई तो 3 बजे से आके ही वेट करते हैं, क्योंकि कोई कोई ऑफिस से आते हैं पिक करने के लिए, तो ऑफिस से जल्दी से निकल के आ जाते हैं ताकि ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े, नहीं तो एक बार इतना लंबा लाइन लग जाएगा। तो एटलीस्ट छुट्टी उन लोगों का होता है लगभग 3:52 को बेल बजता है, और उसके बाद आपको एटलीस्ट 15 मिनट आराम से खड़ा रहना पड़ेगा इस लाइन में। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे, और सारा के क्लास में जितने भी बच्चे थे सब निकल गए थे, निकल के सब सामने खड़े थे, तो हम लोग उसको पिक कर लिए और फिर घर में आ गए। तो फ्राइडे इवनिंग था, थोड़ा वीकेंड का मूड आ गया। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था ज़्यादा हेवी हम लोग कुछ खाएंगे नहीं इस वीक, लेकिन मुझे लग रहा था कि चलो कुछ और बनाते हैं, रोटी सब्जी तो डेली खाते हैं, तो मुझे मन किया थोड़ा आलू पराठा बनाएंगे, बहुत दिन नहीं बनाई थी। तो मैं बहुत सिंपल आलू पराठा बनाती हूँ, नॉर्मल उसमें मसाला ऐड करती हूँ, जैसे आलू में मैं थोड़ा सा प्याज और अदरक को फ्राई करके डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर डालती हूँ, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा खड़ा जीरा डालती हूँ और बहुत सारा धनिया पत्ता डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
और थोड़ा सा नमक और काला नमक ऐड कर देती हूँ। काला नमक ऐड करने से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जैसे वो पानी पूरी वाला जो स्टफिंग होता है ना उसका जैसा टेस्ट आता है। तो वो सब डाल के फिर मैं एक अच्छे से बना लेती हूँ मिक्सचर, और सारा के लिए पहले मैं साइड कर देती हूँ, और उसके बाद हम लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत मिर्ची है, 2-3 मिर्ची मैं काट के फिर उसमें मिला देती हूँ, क्योंकि वो तीखा नहीं खा पाएगी, तो हम लोगों के लिए अलग से फिर मैं बनाती हूँ। तो बस मुझे चाहिए, मतलब मैं जब भी आलू पराठा बनाती हूँ ना, मुझे चाहिए एकदम जो आलू का स्टफिंग हो वो बहुत सारा हो, तभी आलू पराठा खाने में मज़ा आता है। और पहले जब मैं स्टार्टिंग में, जब शादी के बाद जब ये सब बनाती थी, तब मुझे उतना अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था। तो मैं जब भी बनाती थी, मुझे याद है सब आलू निकल जाता था, फट जाता था, तो हमेशा ही मैं मम्मी को पूछती थी कि कैसे करूं, और बहुत सारे फिर मैं बहुत लोगों से पूछ के टेक्निक ऐसे करने हैं कैसे करने हैं, फिर मैं एक वीडियो देखी और मुझे फिर वो टेक्निक बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद से मैं कितना भी स्टफिंग डाल देती हूँ ना, मेरा आलू पराठा बिल्कुल नहीं फटता है, एकदम अच्छे से बनता है। देखिए एकदम अच्छे से एकदम गोल बनेगा, एकदम रोटी जैसा बनेगा, और एक भी स्टफिंग नहीं निकलता है। तो बस हम लोग फ्राइडे के लिए वही हम लोग डिनर किए। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे डिफरेंट टाइप का कुछ डिनर में करने के लिए। मुझे पता है आलू पराठा बहुत कोई ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन चलता है कभी कभी। और ऐसे भी जो भी मेरे व्यूअर्स है, वो पहले से जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता ही होगा मेरे घर में आलू के चीज़ और आलू के सब्ज़ी या जो भी है बहुत कम बनते हैं, तो हम लोग कभी कभी ये सब खाते हैं। तो मैं सोची कि ठीक है, बहुत दिन हो गया है आलू पराठा खा के, तो बना लेते हैं। और मैं रिफाइन का यूज़ नहीं करती हूँ, घी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो हेल्दी वर्शन है वो घी होता है, और घी से क्या होता है, मतलब उतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है। जो एसिडिटी वगैरह होता है वो रिफाइन से होता है, इसलिए मैं हमेशा जो भी फ्राई करने के चीज़ें होते हैं वो हमेशा घी से ही बनाने का कोशिश करती हूँ। और ऐसे स्टफ्ड पराठे मुझे लगता है लगभग सभी को पसंद आते हैं। मैं तो बचपन से ही, मुझे बहुत पसंद है आलू पराठे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मम्मी भी मुझे स्कूल में आलू पराठा बना के देती थी, और मम्मी का स्टाइल अलग था, मम्मी भी अलग तरीके से बनाती थी। फिर मैं भी शादी के बाद अलग अलग तरीका फिर सोची, और सोच के फिर मैं भी दूसरा दूसरा तरीका से फिर बनाना शुरू किया, और जब मुझे परफेक्ट बनाना आ गया तो फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ अब, और बहुत अच्छे से बनता है, बहुत अच्छे से फूल भी जाता है। तो आप लोग भी अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस है आलू पराठे के साथ, जो भी इमोशन है, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ कुछ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस है आलू पराठे के साथ, क्या इमोशंस है। तो बस हम लोगों का डिनर ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, और हम लोग डिनर में आलू पराठा खा लिए थे, और नेक्स्ट डे फिर ये सैटरडे का मॉर्निंग का क्लिप है, तो नेक्स्ट डे घर में जो बैटर था जो मैं पटेल ब्रदर से लाई थी, तो उसके साथ मैं फिर थोड़ा इडली बना ली। जैसे सारा को, सारा जब भी घर रहती है तो मैं कोशिश करती हूँ इडली या डोसा बनाने का, उसको बहुत पसंद है। और थोड़ा सांभर भी बनाई थी, उसको सांभर भी अभी अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा वो खाना स्टार्ट किए, पहले तीखा लगता था तो वो नहीं खाती थी, तो अब वो खाती है। तो इडली और सांभर हम लोग सैटरडे मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट, हम लोग शाम हो गया है और थोड़ा सा अभी बाहर निकले हैं और जा रहे हैं टारगेट थोड़ा सा, और देखिए 2 दिन होते होते फिर से इतना ठंड आ गया कि फिर से हम लोग पुराना जो जैकेट वगैरह है सब पहन के फिर जा रहे हैं, क्योंकि आज टेम्परेचर काफ़ी कम है, अभी ऑलमोस्ट 3 डिग्री है बाहर, तो पता नहीं मतलब ठंडी जाके भी नहीं जा रही है और गर्मी कब आएगी। मतलब हम लोग अब वेट कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गया है, 6 महीना ऑलमोस्ट हो गया है और अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी चलिए अभी फिलहाल चलते हैं। तो फिलहाल पहुंच गए हैं, आज काफ़ी लेट निकले हैं हम लोग, और वेदर भी बहुत ख़राब है आज, पता नहीं बहुत ज़्यादा क्लाउडी है तो पता नहीं क्या होगा, और ठंड भी बहुत कर दिया है। लाइक कल तो बहुत अच्छा, कल से ही वेदर ख़राब है एक्चुअली, और आज बहुत ठंड है ज़्यादा। तो चलिए अंदर चलते हैं जल्दी से, चलो चलो चलो।
तो कपड़ा वगैरह कुछ भी लेना होता है मैं वॉलमार्ट से ज़्यादा टारगेट को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वॉलमार्ट से टारगेट का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है। तो हम लोग आए थे कुछ शर्ट वगैरह देखने के लिए, जो फॉर्मल शर्ट होते हैं लड़के लोगों का, तो उसके साथ साथ फिर मैं थोड़ा सा ये वाला टारगेट दूसरा जगह का है, दूसरा लोकेशन का है, तो मैं वहाँ पे देखी कि थोड़ा बैग्स के कलेक्शन आए हुए हैं, थोड़े अच्छे लग रहे थे, तो वो भी थोड़ा देख रही थी अगर कुछ पसंद आ जाए तो ले लूँगी। तो काफ़ी देर तक फिर मैं देखी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ठीक है, क्योंकि टारगेट का क्या है ना, कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, वो इसका ब्रांड है, अपना ब्रांड है, तो मैं इसलिए बर्लिंगटन का ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा हम लोगों के भी जो कपड़े का सेक्शन है वहाँ पे भी गई, क्योंकि अभी स्प्रिंग का कलेक्शन काफ़ी सारा आया हुआ है, तो मैं सोच रही थी कुछ अपने लिए भी लूँगी। फिर मैं सोची नहीं तो जो शॉपिंग करने आए हैं वही कर लेते हैं, अब लड़की लोग हैं थोड़ा तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है कभी कभी, और सारा भी अपना जो भी करती रहती है कुछ भी जाके ये सब मैनीक्विंस के साथ। तो फिर हम लोग फिर थोड़ा सा कुछ राजेश भी देखने लगे, क्योंकि इंडिया में काफ़ी गर्मी रहेगा जिस टाइम पे हम लोग जाएंगे, लेकिन प्राइस देख के फिर वो बोले नहीं नहीं लेना है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस लग रहा है। हम लोग सोचे ठीक है इंडिया तो जा ही रहे हैं, अगर लेना होगा तो कुछ वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग लगभग वहाँ पे जो जो लेना था वो तो नहीं लिए, लेकिन हाँ सारा ज़रूर अपने लिए एक डॉल ले ली थी। तो हम लोगों को एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, 8 o'clock हो गया है, तो हम लोग सोचे थे आज बाहर ही खा लेंगे, तो पहले सोचे थे कि मैकडी या KFC से कुछ खा लेंगे, तो सोचे थे कि वहाँ से कुछ ले लेंगे, लेकिन फिर राजेश बोले कि नहीं चलो इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं, क्योंकि उससे तो पेट भरेगा नहीं KFC मैकडी से। तो यहाँ पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है अरोमा करके, तो अभी चलेंगे वहाँ पर, देखते हैं कैसा खाना होगा वहाँ का, पहली बार जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो रेस्टोरेंट था काफ़ी पास में ही था, लगभग 8 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे, और अंदर का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सेम रेस्टोरेंट हमारे घर के पास भी है, आई गेस यहाँ पे 2 ब्रांच है इन लोगों का, और शायद एक लेडी थी जो ओनर थी, इंडियन थी वो। तो हम लोग फिर थोड़ा सा देखने लगे, एम्बियंस देखिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ऑर्गेनाइज था, और मुझे उन लोगों का जो भी है जैसे भी सजाया हुआ है वो अच्छा लगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। जैसे आप लोग अगर पुराना जो वीडियो देखे हैं जो इंडिया सीजलिंग हम लोग गए थे, वो थोड़ा ऑथेंटिक आप लोगों को लगेगा, जो ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, ये थोड़ा सा थोड़ा अमेरिकन टच भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मैं देख रही थी अमेरिकन गेस्ट भी आए हुए थे, तो हम लोग तंदूरी चिकन ऑर्डर किए थे, और मैं सही से बताऊँ कि बहुत माइल्ड टेस्ट था, ऐसा नहीं बहुत तीखा नहीं था, सारा भी बहुत अच्छे से इंजॉय की, और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं था खाने में, तो काफ़ी अच्छा था। ये हम लोग चिकन टिक्का मसाला भी ऑर्डर किए थे, तो हम लोगों को वो लोग पूछे भी थे कि कैसा बनाना है, माइल्ड बनाना है, स्पाइसी बनाना है या मीडियम बनाना है, तो हम लोग हल्का सा स्पाइसी बोले थे, मीडियम बोले थे, और थोड़ा तंदूरी रोटी भी ऑर्डर किए थे। और काफ़ी जो मज़ा आता है जब कोई अमेरिकन आके इंडियन खाने का ऑर्डर लेते हैं, और वो लोग जब इंडियन खाने का जो नाम बोलते हैं तो वो भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक 2-3 इंडियन गेस्ट भी थे और यहाँ के गेस्ट भी थे, और यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी आप लोग ग्रेवी लेते हैं उसके साथ राइस ऐसे ही दे देते हैं, फ्री देते हैं, वो आपको अलग से मंगाना नहीं पड़ता है, तो राइस भी था। तो सारा बोली कि मुझे रोटी और तंदूरी चिकन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वही खाऊंगी, तो बस वही खाई थी, और उसके बाद उसको कुछ मीठा चाहिए था। राजेश को तो खाना बहुत अच्छा लगा था, लास्ट टाइम वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे इंडिया सिजलिंग से, और फिर सारा के लिए हम लोग एक ये पिस्ता कुल्फी है वो ऑर्डर किए थे, और इसका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक लगा, एकदम जो काफ़ी जो एकदम होता है ना मास्टर शेफ वगैरह वैसा लगा। तो बस हम लोग जल्दी से अपना डिनर ख़त्म किए, 9:30 तक हम लोग का डिनर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, और फिर वहाँ से फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि घर आते आते हम लोगों को लेट हो जाता है, इसलिए मैं बोली कि बाहर ही खा लेते हैं, तो हम लोगों को पास में ही जब देखे इंडियन रेस्टोरेंट हम लोग खा लिए। तो बस उसी के साथ हम लोग घर के लिए निकल गए, और मैं वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।